हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्सरसाइज नंबर है 6.4। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 सारे एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ स्टूडेंट्स, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 टू 8 नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर ये ज़रूर कर लीजिए 1 टू 8। इसे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इसका कंटिन्यूस पार्ट है। 6.4 है स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस्ड ऑन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हमने फर्स्ट वीडियो में, मतलब जब क्वेश्चन नंबर 1 टू 8 सॉल्व किया वो वीडियो में, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर जस्ट मैंने ये सारे एग्जांपल्स को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखिए पहले डिवाई बाई डी एक्स को हम कॉमन लेते हैं, एक साथ लाते हैं और इसे कॉमन ले लेते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों के पास डिवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस डिवाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये एक्स वाई प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये पार्ट प्लस हो जाएगा, देयरफॉर डिवाइड बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन डिस्टेंस डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हमने डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करना है। सब्सटीट्यूट व्हाट, वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू वी और वाई इज इक्वल्स टू एक्स वी, इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखे हुए हैं, तो ये इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम क्या करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स के जगह पर इक्वेशन फर्स्ट में ये टर्म पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ पे वाई दिख रहा है वाई की जगह पे हम एक्स वी पुट कर देंगे, उसे हमारा जो वेरिएबल है वाई वो रिप्लेस हो जाएगा वी से, ठीक है। तो यहाँ पर वी इज प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर के जगह पे हमने स्टेटमेंट दे दीजिए पहले प्लीज़, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने डीवाई बाई डी एक्स की जगह पे पुट किया और वाई की जगह पे हमने ये टर्म पुट किया, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वी स्क्वायर अपॉन एक्स वी, ओके। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में तो हमें क्या मिल जाएगा, वन प्लस वी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वी का टर्म वहाँ पे जाएगा, या आप एक्स डी वी बाई डी एक्स वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अभी देखिए बचा हुआ जो टर्म है उसे हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे उसका हेल्प से, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस वी अपॉन वन प्लस वी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, वी का टर्म वी के साथ जाएगा और एक्स का टर्म एक्स के, सेपरेटिंग द वेरिएबल
ओके यहाँ पे देखिए ये न्यूमीटर में चला जाएगा, डिनोमीटर में आ जाएगा, डी एक्स न्यूमीटर में जाएगा और एक्स उसके डिनोमीटर में आ जाएगा। माइनस का साइन हम यहाँ पर ही रखते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वन प्लस वी अपॉन वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स। अभी वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, तो यहाँ पे वन प्लस वी अपॉन वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन हमने बाहर रखा हुआ है, डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन बाई वी प्लस वी बाई वी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा, दोनों टर्म को हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे, वन बाई वी का इंटीग्रेशन प्लस वन का इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी सभी टर्म का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, वन बाई वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वी प्लस वन का इंटीग्रेशन वी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे सी डैश हमने क्यों किया, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसमें कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए क्या करते हैं, अभी हम ये लॉग एक्स माइनस है इस तरफ लेके आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये हमें वी प्लस लॉग वी प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे सी डैश को हम सी ही रखते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसमें हम चेंजेस कर लेंगे, तो हमें कुछ लग तो नहीं रहा चेंजेस करने के लिए, से हमने सी जिस सी लिख दिया। यहाँ पे अभी लॉग एम प्लस एन का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वी वी इंटू एक्स मिल जाएगा इज इक्वल्स टू सी। ओके, अभी यहाँ पर हम फिर से वी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी को हमने क्या लिया, वाई बाय एक्स, यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई बाय एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये एक्स एक्स कैंसल, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वाई बाय एक्स प्लस लॉग वाई प्लस सी। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर व्हेन व्हेन वाई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसमें हम एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, हमें सी भी मिल जाएगा, और फिर सी का वैल्यू हम फिर से जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे। तो इसका पहले इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, ये वाई ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, वाई का वैल्यू जीरो है एट एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई है इससे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू वी, और इसे हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स वी, इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। अभी इक्वेशन इसे थ्री दे दिया, अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाय डी एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, और जहाँ पे आपको वाई दिख रहा है वाई की जगह पे आप ये वैल्यू रख दोगे, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स वी का स्क्वायर अपॉन एक्स वी, वाई के जगह पे हमने एक्स वी रख दिया। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वी, वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, राइट। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं, वन प्लस टू वी स्क्वायर अपॉन एक्स
यहाँ पे देखिए एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वी को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा वन प्लस टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, वन प्लस टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया वन प्लस वी स्क्वायर बाई वी। अभी देखिए वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए v न्यूमरेटर में जाएगा, ये वन अपॉन वी स्क्वायर डिनोमीटर में आ जाएगा, मतलब v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स न्यूमीटर में जाएगा और x उसके डिनोमीटर में आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, मतलब x का टर्म x के पास जा चुका है, v का टर्म v के पास जा चुका है। अभी इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है फ्रेंड्स, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन टी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो अभी जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेट होगा इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अभी यहाँ पर जो डिनोमीटर का टर्म दिख रहा है उसका आप जब डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू वी मिलेगा, और यहाँ पे न्यूमीटर में क्या है वी, यहाँ पे टू हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने टू एडजस्ट कर दिया, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई कर दिया, उसे क्या होगा टू इंपॉर्टेंट रूल के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर हम टू इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई कर देंगे वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू इंपॉर्टेंट रूल क्या है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन में ये पार्ट हमने देखा स्टूडेंट्स, ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिनोमीटर का डेरिवेटिव निकाला, हमें न्यूमीटर टर्म मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो हमें टू वी मिल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर लिखा उसको एज इट इज लिख देंगे, लॉग वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी डैश, एज पर रिक्वायरमेंट हम सी के साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, अभी सारे टर्म के पास लॉग है तो सी को भी हम लॉग में एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखिए हम टू से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे टू लॉग एक्स प्लस टू सी डैश, राइट। अभी टू एक्स के पावर में जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और ये फिर यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा और टू सी डैश को हमने लॉग सी लिख दिया। ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, लॉग सी के साथ हम एज पर रिक्वायरमेंट कोई भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, उसे हमारे इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू लॉग सी, रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ओके, ये एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, वी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वी का वैल्यू पुट कर देंगे, वी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, वाई बाय एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स रेज टू फोर। ये हमारा जनरल सोल्यूशन मिल गया स्टूडेंट्स, इसे हम इक्वेशन नंबर फोर पुट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ जो क्वेश्चन में एक्स और वाई का वैल्यू दिया वो पुट करेंगे जिससे हमें सी मिल जाएगा, वाई ज़ीरो एक्स वन पुट करेंगे। ठीक है, पुट एक्स का वैल्यू वन वाई का वैल्यू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर फोर। ये हमारा जनरल सोल्यूशन मिल चुका है स्टूडेंट्स, इसमें हम x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये y 0 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी सी, इसका मतलब हमें देखिए c का वैल्यू 1 मिल चुका है। अब ये c का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, ये हमारा जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। ठीक है,
सी के जगह पे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, एक्स सी का वैल्यू वन हो गया, सी वन इंटू एक्स रेज टू फोर, एक्स रेज टू फोर, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये जनरल सोल्यूशन हुआ और सी का वैल्यू फाइंड आउट करके हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। यहाँ पर लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है, सॉल्व एक्स डी वाई प्लस टू वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, इसका मतलब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसे हम सॉल्व करेंगे, उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर देंगे, वो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए पहले इसे हम अरेंज करते हैं, डीवाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस टू वाई डी एक्स, ठीक है। ये डी एक्स इसके डिनोमीटर में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई बाई एक्स, इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अभी देखिए अभी हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी और वाई इज इक्वल टू एक्स वी, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा इक्वेशन टू हो चुका है, इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट। तो अभी इसे इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे और वाई बाई एक्स दिख रहा है वहाँ पे हम वी रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू वी, ठीक है। अभी हम अरेंज करते हैं, ये वी वहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा और इसे वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, ये टू वी माइनस वी ये थ्री वी हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस थ्री वी, सेपरेटिंग द वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेट करके उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये डी वी अपॉन थ्री वी, माइनस का साइन वहाँ पर रखते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गया, ऐसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, यहाँ पे वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है उसे बाहर ले लिया, डी वी बाई वी मतलब वन अपॉन एक्स और ये माइनस एक्स बाय डी एक्स बाय एक्स, तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स मतलब लॉग एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लॉग वी हो जाएगा और ये माइनस लॉग एक्स प्लस सी डैश, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसमें हम कोई भी चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो पूरे टर्म में हम थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री लॉग एक्स आ जाएगा और ये प्लस थ्री डैश हो जाएगा, ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके पहले देखिए एन लॉग एन, एन लॉग एम क्या होता है, इज इक्वल्स टू लॉग एम रेज टू एन होता है, ठीक है। ये जो थ्री है एक्स के पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की और फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा लॉग एक्स रेज टू थ्री, और यहाँ पर थ्री डैश को हम लॉग सी लिख देते हैं, ठीक है। थ्री सी डैश को हमने लॉग सी लिख दिया, ओके। लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉग एम इंटू एन लॉग सी, ठीक है। अभी देखिए बहुत ही ईजीली हम इसका क्या करेंगे, पहले लॉग रिमूव कर देते हैं, रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वी एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पे हम वी का वैल्यू पुट कर देंगे, वी क्या है हमारा, वाई बाय एक्स इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी, यहाँ पे एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हमें यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पुट करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन फोर, उसे हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा, तो यहाँ पे फोर इंटू वन इज इक्वल टू सी, मतलब सी का वैल्यू देखिए क्या मिल गया स्टूडेंट्स,
फोर मिल गया। ठीक है, अभी ये इक्वेशन फोर में पुट कर देंगे तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा सी इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन फोर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू फोर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये पहले एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा तो ये वन हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा तो वाई बाई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली ये स्टेप को करिएगा, अदरवाइज एक स्टेप और लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया, अभी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी और वाई इज इक्वल टू एक्स वी, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यू टू वी का रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। राइट, ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के ये पूरा टर्म पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, और जहाँ पे वाई बाई एक्स दिख रहा है वहाँ पे वी रख देंगे, यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे वी का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी प्लस वी का स्क्वायर। ये टर्म वी वहाँ पे जाएगा, ये टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट, सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो अभी वेरिएबल इजीली सेपरेट हो चुका है, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन विथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और वन अपॉन एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का पार्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, आपको वहाँ पर इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए और सारे टाइप्स पता होना चाहिए, तो ही आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। ये फिर भी सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, इंटीग्रेशन के मैंने सारे टॉपिक सॉल्व किए हुए, सारे एक्सरसाइज सॉल्व किए हुए। यहाँ पे देखिए वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी डैश, एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे टर्म अगर लॉग हो, ये भी लॉग होता तो हम इसे लॉग में कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसे एज इट इज़ रखे गए। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी डैश, यहाँ पे हम वी का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसे स्टॉप कर देंगे, प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, सॉल्व 9x प्लस 5y डी वाई प्लस 15x प्लस 11y डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9x 5y डी वाई प्लस 15x 11y डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाएंगे, ये टर्म वहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15x प्लस 11y dx। अब ये dx y के डिनोमीटर में आ जाएगा, ये टर्म के डिनोमीटर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 15x प्लस 11y अपॉन 9x प्लस 5y आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर वन दे देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट करते हैं वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू वी और वाई इज इक्वल्स टू एक्स वी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर टू दे दिया। अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओके। यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में डीवाई बाई डी एक्स दिख रहा है, उसके यहाँ पर ये टर्म पुट कर देंगे और यहाँ पर देखिए वाई जो दिख रहा है वाई की जगह पे हम एक्स वी पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हमें क्या मिल जाएगा, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 15x, वाई की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स वी अपॉन 9x प्लस 5xv, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेटर और डिनोमेटर में दोनों के पास x कॉमन ले लेंगे हम, तो हमें यहाँ पे माइनस एक्स 15 प्लस 11v मिलेगा और यहाँ पर x कॉमन लिया तो 9 प्लस 5v मिलेगा, x x कैंसिल हो जाएगा, ये v का टर्म वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, x dv बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं माइनस 15 प्लस सॉरी माइनस 11v अपॉन 9 प्लस 5v माइनस v, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 11v माइनस 9v माइनस 5v का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 5v। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये 11 और 9 ऐड हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा डी वाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे बाद में लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 20 और ये माइनस 5v हो जाएगा अपॉन 9 प्लस 5v, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया 15 प्लस हो जाएगा प्लस 20v प्लस 5v, ओके अपॉन 9 प्लस 5v। अभी देखिए स्टूडेंट्स वेरिएबल हम सेपरेट कर देंगे, ये माइनस का पार्ट यहाँ पर ही रखेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, ये हमारा न्यूमेटर में चला जाएगा, ये पूरा टर्म डिनोमेटर में आ जाएगा और डी एक्स न्यूमेटर में चला जाएगा, एक्स डिनोमेटर में आ जाएगा, वो माइनस का साइन यहाँ पर ही रहेगा, तो 9 प्लस 5v अपॉन 5v स्क्वायर प्लस 20v प्लस 15 इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स हम इसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स हमें पता होने चाहिए, ये माइनस का साइन है ये हमने बाहर ले लिया, डी एक्स बाय एक्स हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके पहले देखिए 1/5 जो 5 है डिनोमिनेटर में से हम कॉमन लेते हैं, 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 हमने कॉमन ले लिया, 9 प्लस 5v अपॉन यहाँ पे v बचेगा, यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3, ठीक है। तो अभी हम इजीली इसका फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अभी इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पहले हम इसे बाय पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, यहाँ पर हमारा क्या इक्वेशन है, 9 प्लस 5v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3। तो अभी पहले हम इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, 4v प्लस 3 मतलब 4v क्यूब वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 1v, यहाँ पे v कॉमन ले लेंगे v प्लस 3, 1 कॉमन ले लेंगे v प्लस 3, यहाँ पे v प्लस 3 और v प्लस 1, ठीक है, यहाँ फैक्टर मिल गए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 5v वी प्लस 1 वी प्लस 3, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो फैक्टर है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, एक टर्म के ऊपर a आ जाएगा और दूसरे टर्म के ऊपर b आ जाएगा,
ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, 1, 2, 3 ऑलरेडी यूज़ हुआ है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमें 9 + 5v / v + 1 v + 3, ठीक है। होप स्टूडेंट्स आपने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ है। ओके, अगर नहीं किया तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इंटीग्रेशन में जाइए, इंटीग्रेशन के सारे एक्सरसाइज मैंने वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। ये देखिए दोनों टर्म का जो डिनोमिनेटर है कैंसिल हो जाएगा, 9 + 5v = a v + 3 + b v + 1। ओके, यहाँ पर अभी हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें v का वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम v = -3 पुट करेंगे, एक बार v = -1 पुट करेंगे। जब -3 पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, मुझे b का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 - 15 = ये जीरो होने वाला है, ज़ीरो, और ये -3 + 1 - 2, यहाँ पे हमारा -2b आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा, 6 - 6 / -2 करेंगे तो हमें बी का वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगा, b = 3 मिल जाएगा, राइट। अभी हम क्या पुट करेंगे, पुट v = -1। जब -1 पुट करोगे तो आपको ये टर्म जीरो होगा, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 - 1 हो जाएगा, a - 1 + 3 2 हो जाएगा, और ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये 4/2 = a, मतलब a का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम a का और b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। पुट a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे स्टूडेंट, देखिए तो 9 + 5v / v + 1 v + 3 = 2 / v + 1 और ये b + v3। तो ये इक्वेशन हमारा इसके इक्वल है, 9 + 5v / v² + 4v + 3 के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, ठीक है, जो हमने ये सिंप्लीफाई किया हुआ टर्म है इसको यूज़ करेंगे और इसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए 1/5 कांस्टेंट है, वो बाहर है, उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 + 2/v + 1 + ये b का वैल्यू 3 है, 3/v + 3 dv = -1/x, ठीक है। अभी हम सारे टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम दोनों को अलग अलग टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये 2/5 बाहर आ जाएगा, सॉरी, ये 2/5 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू v, और यहाँ पे 3/5 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू v, यहाँ पे -1/x, ठीक है। यहाँ पे तीनों में 1/x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन लॉग x होता है, ये कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन में हमने देखा हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे x कंसीडर कर लेंगे, 1/x का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2/5 log v + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/5 log v + 3 हो जाएगा, यहाँ पे -log x हो जाएगा, और ये सी डैश को हम लिख देंगे, एज पर रिक्वायरमेंट कोई भी चेंजेस करना रहेगा तो इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 है डिनोमीटर में, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 इन होल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा 2 log हो जाएगा v + 1, यहाँ पे हमारा 3 log हो जाएगा v + 3, ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा log x, यहाँ पे 5c डैश, ठीक है। तो ये देखिए, ये 5x के पावर में आ जाएगा, ये 3 इसके पावर में आ जाएगा, ये 2 3 इसके पावर में आ जाएगा। तो log n log m का प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, क्या होता है, log m raised to n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए log v + 1 का स्क्वायर, log v + 3 का पावर 3, और ये -log x raised to 5, इसे हम एज पर रिक्वायरमेंट चेंज करते कर देंगे। फिलहाल अभी इसे ऐसे रखते हैं। यहाँ पे देखिए log m + log n क्या होता है, log m into n, ठीक है। और ये माइनस का टर्म यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसे हम log c लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 5c डैश को हमने log c लिख दिया, राइट।
तो अभी क्या होगा, इसे हम लॉग रिमूव कर पाएंगे। अभी देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन का फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, मतलब ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल्स टू लॉग सी, रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ द साइड। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वन प्लस वी का स्क्वायर इंटू वी प्लस थ्री का स्क्वायर, ये पावर थ्री है ना, स्क्वायर नहीं है पावर थ्री है, इंटू एक्स एस टू फाइव इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अभी क्या करना है बाकी स्टूडेंट्स, हम वी के जगह पर वी का वैल्यू वाई बाय एक्स पुट कर देंगे, रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे वाई बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू वाई बाय एक्स प्लस थ्री का पावर थ्री इंटू एक्स रेस टू फाइव इज इक्वल्स टू सी। ओके, तो अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाई प्लस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स बाय एक्स का पावर थ्री एक्स रेस टू फाइव इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो अभी इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये न्यूमेटर को भी पावर थ्री टू जाएगा, डिनोमेटर को भी पावर जाएगा, इसका न्यूमेटर को भी जाएगा डिनोमेटर को भी जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का पावर टू अपॉन एक्स का पावर टू, और यहाँ पे एक्स वाई प्लस थ्री एक्स पावर थ्री बाय एक्स का पावर थ्री इंटू एक्स रेस टू फाइव है। अभी केयरफुली देखिए ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई प्लस थ्री एक्स का पावर थ्री इज इक्वल्स टू सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक्स को एक्स वाला टर्म पहले लिखिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा माइनस डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना स्टूडेंट, डी वाई और डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लाना, पूरे टर्म को एक साइड शिफ्ट करेगा, ये डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड करेगा, इसको भी इसको भी इसको भी, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थ्री एक्स एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ वाई बाई एक्स मिलेगा और यहाँ पे वाई बाई एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों को स्क्वायर है, एक्स को भी स्क्वायर है वाई को भी स्क्वायर, मतलब होल टर्म को स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसे क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अभी देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूट व्हाट, वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी और वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये हमारा इक्वेशन टू हो गया, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखिए यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है उसके अब हम ये पूरा टर्म पुट कर देंगे, ठीक है, ये टर्म पुट कर देंगे, और जहाँ पे वाई बाई एक्स दिख रहा है वाई बाई एक्स ये पे हम वी लिख देंगे, यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे वी ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री वी प्लस वी का स्क्वायर, राइट, ये वी वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वन माइन वन प्लस थ्री वी प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वन प्लस टू वी प्लस वी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस वन इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स। ठीक है, अभी वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन,
आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे देखिए वन अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है, तो हम इसे वन अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज और कोई मेथड है तो उसे अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। अभी देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, अगर हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन प्लस वी प्लस वन का स्क्वायर मिलेगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वन प्लस वी ये अप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा, वन अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से करने से बेटर ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन इसे एक्स कंसिडर करेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू माइनस टू लिख सकते हैं। इंडाइसेस रूल अप्लाई किया यहाँ पर, वन अपॉन ए रेस टू एन को हमने क्या लिखा, ए रेस टू माइनस एन लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय एक्स डी एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लीनियर इक्वेशन इसे एक्स कंसिडर करेंगे, एक्स रेस टू माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लॉग एक्स हो जाएगा इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, और यहाँ पे सी डैश लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वी प्लस वन रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी डैश। एज पर रिक्वायरमेंट हम सी डैश को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस वन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये इंडाइसिस रूल यहाँ पे देख रहे हैं, ये फॉर्म से ये फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन वी प्लस वन रेस टू वन, और ये माइनस का साइन यहाँ पे चला गया, लॉग एक्स माइनस हो गया और ये सी डैश माइनस हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा लॉग, और माइनस सी डैश को हम सी लिख देंगे, और यहाँ पे हम वी का वैल्यू फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे देखिए वाई बाय एक्स वी का वैल्यू रख दिया हमने, और ये प्लस लॉग सी सॉरी एक्स और इज इक्वल टू ये माइनस सी को हमने सी लिख दिया, माइनस सी डैश को हमने सी लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, वन अपॉन वाई प्लस एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये एक्स बाय एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ओके। यहाँ पर इसे स्टॉप कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्या सॉल्व दिया हुआ है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस टू एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी एक्स। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल नंबर टू, ठीक है। क्यों कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो टू दिया हुआ था वहाँ पर इसमें माइनस का साइन था, तो उसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आ रहा था, तो हमने क्या किया था, इसे हमने प्लस कर दिया था, ठीक है। तो अभी हमारा इक्वेशन क्या बन गया है, दिस ओनली, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। उसका आंसर भी देखिए ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो रॉन्ग दिया हुआ था, मिसप्रिंट था, यहाँ पर हमने इसे प्लस कर दिया, तो दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आज हमने ये वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 बोल सकते हैं, 15 हमारा रिपीट हुआ है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हमने कवर किए, ठीक है। तो मतलब एक्सरसाइज 6.4 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसको हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं देखे हुए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ इशू है सजेशन है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।